कैसे हैं आप सब? हम तो ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। देखिए आज मैं सुबह सुबह बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में आई हूँ और अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। फ्रेंड देखो, तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं कहाँ पर आई हूँ। सॉक्स भी हैं, 100 रुपये जोड़ी हैं। और यहाँ पे देखिए जूतियाँ, हम लोग यहाँ पे इयररिंग्स देख रहे हैं। कौन है यहाँ पे, कितने के हैं, कोई है यहाँ पर? अच्छा अंदर है भैया। अच्छा तो देखिए सारी इयररिंग्स कोई भी आप ले सकते हैं, 30-30 रुपीज़ की है और बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए बहुत सुंदर लग रही है, आप ले सकते हैं। और देखिए बड़ा वाला बलून वहाँ अंकल ने पकड़ा हुआ है। हम लोग देखिए आगे आगे जा रहे हैं और पहुंच के मैं बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ऑनलाइन भी मिलता है। तो देखिए अब हम लोग गुरुद्वारे तक पहुंच चुके हैं। देखिए गुरुद्वारे के बाहर का है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए गुरुद्वारे के अंदर का और यहाँ का चांदनी चौक का ये फेमस गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर ना पानी की सेवा भी है गुरुद्वारे में। तो यहाँ पर अभी मेरी फ्रेंड पानी पीने गई है, तो वो पानी पी रही हैं। तो पानी पीते हैं, पानी पी लो। और देखिए आप आगे देख सकते हैं कुछ फॉरनर्स भी आए हैं यहाँ पर गुरुद्वारे में। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ जहाँ पर लिखा है पराठे वाले गली। तो इसमें आगे देखती हूँ मैं और हाँ कहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पे ना सारी चीज़ें खाने पीने वाली चीज़ें मिलती हैं। देखिए यहाँ पर तो बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं जहाँ हमको पहुँचना था। देखिए हम लोग अरुण की शॉप में पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। अरुण की शॉप में, चांदनी चौक में हम पहुंच चुके हैं। लाइन लगी हुई है अरुण में जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए लोगों की। देखिए हम जल्दी आ गए थे तो हमको उस टाइम पे तो लाइन भी नहीं थी ना, उस टाइम पे लाइन भी नहीं थी। देखिए कहाँ तक लाइन लगी हुई है, देखिए यहाँ तक लाइन लगी हुई है और पीछे मैंने आपको दिखाया था कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। और देखिए लटकन कितनी प्यारी प्यारी हैं। और 200 रुपये इनका रेट है लेकिन बहुत अच्छे कपड़े हैं। कैसे हो रहे छोले कुलचे बताओ, बताओ कैसे हो रहे हैं? देखिए हम लोगों ने जलेबी ले ली है, ये रही जलेबी और रबड़ी के साथ है 90 रुपीज़ की और विदाउट रबड़ी 60 की ना, 60 रुपीज़ की है। तो अभी हम लोग टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसी है। सबसे पहले तो रबड़ी बहुत ही टेस्टी हो रही है, अब हम लोग जलेबी टेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, लगभग 4-4:30 बजे मैं घर पे पहुंच गई थी। तो थोड़ी देर मैंने आराम किया, पानी पिया, वहाँ मैं बहुत थक गई थी और बहुत ज़्यादा धूप भी थी, थकान हो गई थी चल चल के, क्योंकि रोज़ तो इतना हम लोग मैं बाहर जाती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ, तो बहुत थक गई थी। तो जो जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, स्पेशली सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मैं K8 का वायरलेस माइक्रोफोन लेकर आई हूँ अपने ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए और बहुत ही मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, मैं आपको बताती हूँ। और ये लिया है मैंने वहाँ 350 रुपये का और इसका मैं अब यूज़ करके आपको बताती हूँ कि और जो आगे का अब मैं ब्लॉग बनाऊंगी ना, इसको लगा के ही बनाऊंगी, तो आप मुझे बताना कि मेरी वॉइस कैसे आ रही है अब। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये ओपन कर लिया है, इसको मैंने ओपन कर लिया है और इसमें ये पहले तो मुझे ये माइक मिला है और ये है इसके साथ, इसको फ़ोन में अटैच करना होता है और जिनके आईफोन रहते हैं उनके लिए ये इसमें अटैच करते हैं। तो मेरा तो इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि मेरा आईफोन नहीं है, तो इसको मोबाइल में अटैच करूँगी मैं, मोबाइल में पहले अटैच कर लेती हूँ उसके बाद मैं माइक लगाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। आप बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा मुझे, कमेंट में करिएगा कि कैसी आवाज़ आ रही है मेरी माइक लगा के। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने माइक लगा लिया है, फर्स्ट टाइम मैं माइक का यूज़ कर रही हूँ
और अब आप लोग बताएंगे कि मेरी आवाज कैसी आ रही है। तो इसके बाद मैं और चीज भी दिखाती हूँ कि मैं और क्या लेकर आई हूँ। और मैं ये लेकर आई हूँ स्पीकर, इसका मैंने आते ही इसमें गाने लगाए थे तो बहुत ही अच्छी आवाज आ रही थी। देखिए ये लेके आई हूँ मैं स्पीकर, और ये मुझे पड़ा है 550 का। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे घर में लाने की, तो आज मैं फाइनली ये लेकर आ चुकी हूँ। और इसकी आवाज मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगी। इसमें ना साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें हमें म्यूजिक सुन के। आगे और भी चीजें फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि मैं अरुण में गई थी, तो मेरी फ्रेंड भी गई थी मेरे साथ स्पेशली, तो उन्होंने तो एक दो साड़ियां भी ली थी और सूट भी लिए थे। मैंने एक ही सूट लिया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास न्यू साड़ी है और सूट भी है, तो मैंने एक ही सूट लिया है 755 का। आप लोग देखिए और बताइएगा ये कैसा लगा आप लोगों को। थोड़ा सा मैं खोल के भी बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये है सूट और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है मुझे। नेक्स्ट और भी चीजें मैं दिखा देती हूँ आपको। बेडशीट भी परचेज करी है, बहुत ही अच्छे रेट में मिली है मुझे। 200 रुपीज की मुझे ये बेडशीट मिली है बहुत ही अच्छे रेट में। तो आप भी कभी चांदनी चौक जाएं तो बेडशीट जरूर परचेज करिएगा। और कुछ मैं स्टेशनरी का सामान लेकर आई हूँ, वो सोमेटी यूजफुल है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पेंट ब्रश लेकर आई हूँ। इनका क्या यूज है, जब भी हम कोई ड्रॉइंग व्रॉइंग बनाते हैं तो उसमें यूज आता है ड्रॉइंग में हमारे पेंट ब्रश। और कुछ पेन्स लेकर आई हूँ मैं, ये भी मुझे पड़े हैं। वैसे तो इनका प्राइस 100 रुपीज लिखा है पर मुझे ये पूरा पैकेट 80 रुपीज का पड़ा है। और ये पेन ब्रश भी इसमें 200 प्राइस लिखा है, ये मुझे 170 का पड़ा है। और भी मैं चीजें दिखा देती हूँ आपको, जैसे ये स्टेपलर पिंस है, इसका भी पूरा बॉक्स में भी मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। इसका मुझे प्राइस ध्यान नहीं है बट ये भी मुझे कम में ही मिला वहाँ। और ये फेविक्विक फेविकॉल है जो 60 रुपीज प्राइस में था, मुझे वहाँ 50 रुपीज का मिला। नॉर्मली हम लोग अपने यहाँ पर परचेज करते हैं तो हमें सेम ही प्राइस में मिलता है बट वहाँ पे जाकर हमें ये कम प्राइस में मिलता है। और फ्रेंड्स मैं देखिए कलर टेप लेकर आई हूँ, ये भी यूजफुल होती है। जैसे हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो बॉर्डर में इस कलर टेप को लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये पर टेप मुझे 10 रुपीज की पड़ती है और वहाँ पर मुझे 100 रुपीज की पड़ी है 12। तो इसका मतलब कि 2 मेरे को इसमें फ्री मिली है। और मैं कलर शीट्स भी लेकर आई हूँ, इनमें भी अच्छा प्राइस मिल गया है मुझे वहाँ पर। यही सब चीज़ें लेकर आई हूँ और एक दो चीज़ें और मैं तो दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं लाइट लेकर आई हूँ अपने मंदिर के लिए, बहुत ही सुंदर लाइट है, ये भी लेकर आई हूँ। और यहाँ ये नॉर्मली 100 या 150 की मिलती है, वहाँ मुझे ये मिली है 70 रुपीज की। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी नियर बाय दिल्ली में रहते हैं तो मार्केट जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छे प्राइस में सब कुछ चीज़ें मिल जाती है। और मैं ये पॉट भी लेकर आई हूँ, दो फ्लावर पॉट, बहुत ही सुंदर सुंदर पॉट लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ भी इनके ये प्राइस पूछे थे 100 या 150 के थे, वहाँ मुझे ये पर पॉट 25 रुपीज का मिला है। मतलब मुझे वहाँ यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये 25 रुपीज का होगा, बट मुझे बहुत ही अच्छे लगे। दोनों फ्लावर दिखने में भी बहुत ही सुंदर और कलरफुल लग रहे हैं, और ये ऐसे हम अपने टेबल में भी रख सकते हैं, इनको डेकोरेट करके बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आज इसके अलावा मैं एक गन भी लेकर आई हूँ, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिव्यू बताऊंगी और क्या क्या है क्या नहीं है वो मेरे हस्बैंड बताएंगे उसका रिव्यू। वो मैं गन आपको दिखा नहीं रही हूँ, अब वैसे मेरे बेटे ने दिखा दिए, देखिए ये गन है, इसका रिव्यू मेरे हस्बैंड बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा आज चांदनी चौक का ब्लॉग, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों मुझे प्यार देते रहिए। फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करना प्लीज, आप लोग सब लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।